खास तौर पर आजकल मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को लेकर जो दो सवाल पूछे गए हैं, पहला तो ये कि आजकल मेडिकल कॉलेज के उस वक्त के प्रिंसिपल यानी कि जिस संदीप रॉय की हम बात कर रहे हैं, संदीप घोष की हम बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे थे, और दूसरा महत्वपूर्ण सवाल उन्हीं प्रिंसिपल को लेकर, आफ्टर प्रिंसिपल रिजाइंड फ्रॉम हेयर ही इज असाइंड एज प्रिंसिपल इन सम अदर कॉलेज, इस पर भी सवाल पूछा कि यहाँ से इस्तीफा देने के बाद किसी और कॉलेज में उनको ज्वाइन करा दिया गया, ऐसा क्यों हुआ, ये गंभीर सवाल है, क्या इस पर कपिल सिब्बल की ओर से कोई बात कही गई? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने मीनाक्षी ज्यादा दलीलें कपिल सिब्बल या पश्चिम बंगाल सरकार की नहीं सुनी है पूरे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट आज काफी गुस्से में लगा, सीजीआई काफी गुस्से में लगे, उन्होंने बोला कि हमें ये एक महिला डॉक्टर की हत्या होती है, रेप होता है, और उसके जिस तरीके से फोटो वीडियो वायरल होते हैं, नाम उसका सोशल मीडिया पर वायरल होता है, और जिस तरीके से देरी इस पूरे मामले के अंदर हुई, हत्या का मामला नहीं दर्ज किया गया। सीजीआई ने कहा कि सीबीआई इस मामले में गुरुवार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आया है, सीजीआई ने डॉक्टरों को कहा कि आप हम पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है। ये सीजीआई ने डॉक्टर्स के लिए कहा है कि सीजीआई ने कहा कि डॉक्टरों को कहा है ये कि आप हम पर भरोसा करें, सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा करें, चीफ जस्टिस पर भरोसा करें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है, जो लगातार डॉक्टर्स स्ट्राइक पर चल रहे हैं उसको लेकर तल टिप्पणी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई है, सीजीआई की तरफ से की गई है, और उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ये कहना चाहता है कि डॉक्टर्स जो है वो अपने काम पर लौटे, क्योंकि सभी हॉस्पिटल्स के अंदर जो है डॉक्टर्स की इस समय बेहद ज्यादा जरूरत है, अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी जिस तरीके से दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं उसमें कहा है कि अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके अलावा कहा कि इस मामले में हम एक नेशनल टास्क फोर्स का गठन कर रहे हैं, इस मामले में सबूतों को मिटाया गया, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले जो इंस्ट्रक्शन दी है सीबीआई को, क्योंकि गुरुवार को इस पूरे मामले की सुनवाई होगी, स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई से मांगी है, और सीबीआई को यह कहा है कि सीधा वो इस पूरे मामले की स्टेटस रिपोर्ट जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जो है वो बेहद ही नाजुक दौर से गुजर रही है। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई, ये सीजीआई पूछ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है कि सबसे पहले एफआईआर किसने और कब दर्ज कराई। पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से कहा गया है कि 11:45 पीएम पर एफआईआर दर्ज की गई, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ये पूछ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर किसने कराई, कब कराई, तो जिसमें कपिल सिब्बल की तरफ से ये कहा गया है कि 11:45 पर शाम को रात को इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई थी। तो जिस तरीके से ये पूरा मामला आज सुमोटो जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने रविवार को लिया था उस पर अब सुनवाई शुरू हुई, वहां पर इंपॉर्टेंट डॉक्टर्स के लिए भी एक मैसेज जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया गया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हम पर भरोसा रखें, जो डॉक्टर हड़ताल पर है इस बात को समझें कि पूरे देश का हेल्थ केयर सिस्टम उनके पास है, ये डॉक्टर्स को जो है वो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। इसके बाद सीजीआई ने कहा है कि अभिभावकों को बॉडी देने में 3:30 के बाद एफआईआर दर्ज की गई। सीजीआई ने यह तल्ख टिप्पणी की है मीनाक्षी कि अभिभावकों को बॉडी देने के 3:30 के बाद इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज की गई, यह सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है, यानी कि जब बॉडी उनके पेरेंट्स को दी जा चुकी थी विक्टिम की, तो उसके 3:30 बाद क्या ये इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। तो अभी सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले के अंदर दिशा निर्देश जो है वो लगातार दे रहा है, और यहाँ ऑटोप्सी को लेकर भी अतुल सीजीआई ने बोला कि 1:45 से लेकर 4 तक ऑटोप्सी हुई है। अब इसका मतलब तो ये है कि बहुत सारे लूप होल्स इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं। पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये सवाल पूछ चुका है कि घर वालों को बॉडी देने में इतनी देरी क्यों हुई, और बॉडी देने के इतनी देर के बाद फिर एफआईआर दर्ज क्यों हुई, यानी इसका मतलब तो ये है कि पश्चिम बंगाल की पुलिस पर सीधा सीधा ये एक संशय पैदा करता है सुप्रीम कोर्ट के जितने भी सवाल हैं कि पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ठीक तरीके से अपना काम किया नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, अभी सीजीआई ने जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार और हॉस्पिटल प्रशासन की फटकार लगाई है। सीजीआई ने कहा कि एफआईआर में इतनी देरी क्यों हुई,
एफआईआर दर्ज जो है वो देर से क्यों की गई, हॉस्पिटल प्रशासन आखिर क्या कर रहा था। तो न सिर्फ पश्चिम बंगाल सरकार बल्कि हॉस्पिटल प्रशासन के ऊपर भी तल्ख टिप्पणी जो है वो सीजीआई की तरफ से की गई है। एफआईआर भी पीड़िता के पिता ने दर्ज करवाई या किसी और ने, ये भी अब सुप्रीम कोर्ट जो है वो पश्चिम बंगाल सरकार से पूछ रहा है कि आखिर इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर जो है वो किसकी तरफ से कराई गई। एफआईआर भी पीड़िता के पिता ने दर्ज करवाई और किसी ने क्यों नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सीजीआई ने कहा है कि एफआईआर जो पीड़िता है उसके पिता की तरफ से दर्ज कराई गई और किसी ने इस पूरे मामले के अंदर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं कराई, ये सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और सीजीआई ने कहा है कि हम डॉक्टरों से अपील करते हैं, हम उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यहाँ हैं, हम इसे हाईकोर्ट के लिए नहीं छोड़ेंगे, ये बड़ा राष्ट्रहित का मामला है।